न कारोबार में मुनाफा हुआ न लॉटरी लगी, फिर भी एक रात में करोड़पति बन गया असलम। लक्ष्मी की बरसी ऐसी कृपा कि दहशत में आ गया कारोबारी। एक रात में कैसे खाकपति से असलम बन गया करोड़पति, बड़ी दिलचस्प है ये कहानी। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, बॉलीवुड की फिल्म का ये गाना आज सच साबित हो रहा है। दीपावली में जब पूरी दुनिया लक्ष्मी गणेश का पूजन इस उम्मीद के साथ कर रही थी कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसेगी और धन वर्षा होगी, तभी अलीगढ़ के असलम के यहाँ अचानक धन बरसने लगा। आप सोच कर देखिए कि एक एक पैसे के लिए मोहताज अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपए आ जाएं तो उसकी स्थिति क्या होगी। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, या फिर इतने सारे रुपए देखकर अचानक उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय अलीगढ़ के असलम की है। अलीगढ़ के भोजूपुरा का रहने वाला असलम मेडिकल स्टोर की एक छोटी सी दुकान चलाता है। 11 नवंबर की रात असलम के बैंक अकाउंट के मैसेज दनादन आने लगे और जब असलम ने अपना अकाउंट डिटेल चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि असलम के बैंक अकाउंट पर एक के बाद एक रुपए ट्रांसफर हो रहे थे और ये सिलसिला दो दिनों तक चलता रहा। दो दिनों में असलम के अकाउंट में इतने पैसे आ गए जितनी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब कैसे हुआ और किसने असलम के अकाउंट पर इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। 4 मिनट की इस रिपोर्ट को आप अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे खाकपति से एक व्यापारी करोड़पति बन गया। दरअसल अलीगढ़ के रहने वाले असलम की मेडिकल स्टोर की दुकान है, उसके दो बैंक अकाउंट हैं। एक बैंक अकाउंट IDFC बैंक में है, दूसरा यूको बैंक में है। 11 नवंबर की रात अचानक उसके IDFC बैंक के अकाउंट में कुछ रकम क्रेडिट होना शुरू हुई। ये सिलसिला लगातार चलने लगा और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके IDFC बैंक अकाउंट में जो रकम क्रेडिट हो रही थी वो उसके यूको बैंक में अपने आप ट्रांसफर हो जा रही थी। अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने का यह सिलसिला दो दिनों तक चलता रहा और दो दिनों में असलम के बैंक अकाउंट पर इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई जिसे सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। जी हाँ, असलम के अकाउंट पे 4,78,00,000 रुपया ट्रांसफर हो चुके हैं। खाते में आ रहे करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन को देखकर असलम सकते में आ गया। उसने डर कर पहले इसकी सूचना UP 112 को दी, उसके बाद CM हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो दौड़ा दौड़ा पुलिस के पास थाने पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार की वजह से बैंक बंद है और बंद बैंक में उसके खातों में रकम ट्रांसफर हो रही है। फिलहाल पुलिस ने बैंक अकाउंट सील करवा कर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम असलम है। असलम कहाँ के निवासी हैं आप? मैं भुजपुरा का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ में? मेरे सर, मेरा IDFC बैंक में खाता है, उसमें मेरे में पैसे आ रहे हैं और फिर वहाँ से फिर मेरे यूको बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मैं जो है बैंक गया, कल भी गया हूँ तो बैंक बंद थी छुट्टी की वजह से, और IDFC बैंक के मैनेजर साहब का जो मुझे नंबर हायर किया है तो उनके पास भी मैंने कॉल की, उनसे बात नहीं हो पा रही है, कोई और उनकी जगह कॉल रिसीव कर रहे हैं। अब तक आपके खाते में कितना पैसा आ चुका है? करीब करीब 4,78,00,000 रुपए के आसपास मेरे खाते में आ गए। कहाँ से आए हैं कुछ जानकारी? ये कोई जानकारी नहीं है सर मुझे। अच्छा, अभी आप कहाँ आए हैं? मैं थाना कोतवाली पे आया हूँ, फिर सुबह में मैंने जो है 112 पर कॉल की है, फिर CM हेल्पलाइन पर भी कॉल की मैंने। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, फिर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर भी मैंने कॉल की है, जो हमारे संगठन के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, मैं सोच रहा था उनको ले जा करके जाऊं, उन लोगों के पास कॉल की तो उन्होंने उठाई नहीं कॉल। नहीं तो ये जो पैसे आए हैं आपके दो अकाउंटों में आए हैं? जी हाँ, दो अकाउंट में। हाँ, IDFC बैंक में आ रहे हैं, फिर वहाँ से यूको बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं। दोनों आपके ही अकाउंट हैं? दोनों मेरे ही अकाउंट हैं। कब से हो रहा है ये? सर करीब 11 तारीख से रात के टाइम से ही हो रहा है, 8-9 बजे के आसपास से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर असलम के अकाउंट पर इतनी बड़ी रकम किसने ट्रांसफर की है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया IDFC अकाउंट से बिना इजाजत पूरी रकम उसके दूसरे यूको बैंक वाले अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो रही है जबकि बैंक बंद है।
अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।